यूक्रेन ने खार्किव में बने अपने न्यूक्लियर प्लांट की मरम्मत शुरू कर दी, जिसे पिछले साल युद्ध की शुरुआत में ही रूस ने निशाना बनाया था और ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी थी। और इस हमले में खार्किव में बना यूक्रेन का न्यूक्लियर प्लांट पूरी तरह बर्बाद हो गया था। करीब एक साल बाद फिर इसकी मरम्मत का काम शुरू किया गया। न्यूक्लियर प्लांट के अंदर मशीनें कबाड़ में तब्दील हो गईं, तो वहीं पूरी इमारत खंडहर बन गई। प्लांट के बाहर कई मिसाइलें और रॉकेट नजर आए, जिनसे इस इमारत को निशाना बनाया गया था। हमले की वजह से आसपास गहरे गड्ढे भी हो गए। अब इस इमारत के साथ न्यूक्लियर प्लांट में लगी मशीनों की मरम्मत का काम शुरू किया गया। इधर कर्नाटक के बेलगावी में ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले एक विमान की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ गई। बताया गया कि उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही उस विमान में तकनीकी खराबी आ गई, जिसके बाद पायलट ने उसे बेलगावी के बाहरी इलाके में मौजूद एक खेत में लैंड करा दिया। हालांकि उबड़ खाबड़ खेत पर लैंडिंग के दौरान दो सीटों वाले उस विमान का अगला हिस्सा जमीन पर लटक गया, जिसकी वजह से प्लेन को काफी नुकसान भी पहुंचा। लेकिन गनीमत यह रही कि विमान में मौजूद ट्रेनर और उसे उड़ाना सीख रहे पायलट की जान बच गई। वहीं विमान की इमरजेंसी लैंडिंग की सूचना मिलते ही वहां पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। उधर पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में एम्बुलेंस के जरिए नशीले पदार्थों की तस्करी का अनोखा मामला सामने आया। वहां पुलिस ने एक एम्बुलेंस से करीब 64 किलो गांजा बरामद किया और इस मामले में एक महिला समेत चार लोगों को दबोच लिया। आरोप है कि ये लोग नशे की उस खेप को एम्बुलेंस में एक ताबूत के अंदर भरकर ले जा रहे थे, ताकि देखने वाले को ऐसा लगे जैसे उसमें कोई शव रखा गया है। लेकिन तलाशी के दौरान शक होने पर पुलिस वालों ने जब एम्बुलेंस में रखे उस ताबूत को खोला तो वो हैरान रह गए। उस ताबूत से कई पैकेट निकले जिनमें गांजा भरा हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने नशे की उस खेप को जब्त कर लिया और मामले की जांच में जुट गई। इधर प्रयागराज में हुए उमेश पाल हत्याकांड में बड़ा पर्दाफाश हुआ। पुलिस सूत्रों के मुताबिक उमेश पाल की हत्या से पहले बरेली जेल में अशरफ से शूटरों की मुलाकात के दौरान उसका साला भी मौजूद था, जिसकी जानकारी उमेश पाल हत्याकांड में दर्ज चार्जशीट से मिली। पुलिस ने यह चार्जशीट हत्याकांड में सबसे पहले पकड़े गए आरोपी सदाकत खान से पूछताछ के बाद कोर्ट में दायर की। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में सदाकत ने बताया कि अशरफ के साले सद्दाम ने उमेश पाल की रेकी भी की थी। इसी साल 24 फरवरी को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में उमेश पाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड से पहले बरेली जेल में बंद अतीक अहमद के भाई अशरफ से सभी शूटरों ने मुलाकात की थी। जिस दौरान बरेली जेल में सद्दाम और 6 शूटरों की मीटिंग चल रही थी, उस दौरान सद्दाम भी बरेली जेल के अंदर उस मीटिंग में मौजूद था। हालांकि उमेश पाल की हत्या के बाद से ही सद्दाम फरार चल रहा है और पुलिस ने उसके खिलाफ 1,00,000 रुपए का इनाम घोषित कर रखा है। उधर जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर बड़ा हादसा हो गया। वहाँ पंजाब के अमृतसर से कटरा जा रही एक तेज रफ्तार बस खाई में गिर गई। इस हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई जबकि 55 लोग घायल हो गए। इन सभी लोगों का रेस्क्यू किया गया और उन्हें खाई से बाहर निकाला गया, जिसके बाद सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन मृतकों के शव को निकालने में पुलिस और सेना के जवानों को काफी दिक्कत हुई। बस में सवार 75 यात्री अमृतसर से वैष्णो देवी जा रहे थे, लेकिन बस कटरा के पास हादसे का शिकार हो गई। अनबैलेंस का झटका लगा तो फिर चिल्लाना स्टार्ट कर दिए, तो फिर जाके डायरेक्ट यहीं पे रुका। बताया गया कि बस का बैलेंस अचानक बिगड़ गया था, जिसकी वजह से बस पुल से नीचे गहरी खाई में गिर गई। हादसे की सूचना मिलने के बाद आसपास के लोगों ने घायलों और मृतकों को बाहर निकाला और इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया।